this music video is just not just a music video, but I hope when you guys come out of the college and you have a work life and you guys are working, it's about falling in love in your workspace and your issue problem, like a common man problem that you face with your exes coming back into your life, or your girlfriend feeling insecure, or you feeling insecure about her ex. So the story is very basic, but it'll hit hard, definitely. Definitely sir, that's a great description. Sir, आप जो public मांगते हो उसको दे देते हैं sir. वो trailer के लिए रुके कल से हम बात करते हैं. Can we have the trailer please? Tech team, can we know the trailer please? I'm feeling great, but I want to know how did you guys like it? Come on, guys, बहुत बंदी करी. Till the time I think the romance हो रहा था, you guys are fine. As soon as my ex girlfriend comes back, everyone's like, oh, ये क्या कर दिया? But it's a twist. You guys have to see the video to understand. I swear I didn't cheat. Yes, sir, I'll request you to please be seated. We have the special performance from you from our side. Can you just have a seat on our two comfortable sofas? And Dabur ki public, ab tumhari awaaz karne ka time aa gaya hai. Cause किस तरह का गाना है Let Me Love, और हम देख रहे हैं यहाँ पे म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म लिखा है, क्या ये नया कॉन्सेप्ट है? अगर पहले हमने फितूर, दीवाना, इन सब सीरीज, तू चाहे सीरीज में पार्ट डिवाइड किए थे. दिस टाइम वी आर कमिंग अप विद फोर म्यूजिक वीडियोस टुगेदर एक ही पार्ट में, एंड इट्स अ 20-22 मिनट लॉन्ग स्टोरी वन गो में, एंड देयर डिफरेंट सॉन्ग्स. सो इट्स बेसिकली अ स्टोरी अबाउट हाउ ऑफिस में किसी से प्यार हो जाता है, एंड देयर लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी बट वेरी हार्ट टचिंग. तो एंड वी हैव डन समथिंग डिफरेंट के चार गाने एक साथ ही, वी मेड अ म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म एक बार में. तो दैट्स व्हाट वी हैव डन डिफरेंटली दिस टाइम. रोमियो, कितना नॉस्टैल्जिक फील किया यहां पे कॉलेज में आके, और क्या कोई मेमोरीज ताजा हुई है कॉलेज की, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें, और क्या कुछ मेमोरीज थी कॉलेज की? जैसे आपने कुछ मेंशन भी किया ऊपर की एक्स के बारे में, और गाना भी उसी तरह का, अगर कुछ शेयर करें. हां, सो फर्स्ट कॉलेज की बात जहां तक है, मैं बहुत शाय था पहले, देन कॉलेज में जाके थोड़ा थोड़ा फिर खुल गए, एंड देन टुडे रोमियो इज व्हाट रोमियो इज बिकॉज ऑफ हिज स्कूल एंड कॉलेज की लाइफ एंड म्यूजिक आल्सो. सो आई फील लाइक दैट एनर्जी आई सी यहाँ के ठाकुर कॉलेज के स्टूडेंट्स में, एंड द पैशन टू डू स्टफ आगे जिंदगी में, बी इट म्यूजिक, आर्ट्स और साइंस. सो आई फील लाइक मेरे को वो नॉस्टैल्जिया हिट होता है कि हाँ, कि इवन आई वॉज लाइक दिस इन माई कॉलेज. एंड जहाँ तक बात रही एक्सेस की, वो एक्स नहीं है, जस्ट like as people call her mystery girl. तो फितूर गाना था, इसके बाद बहुत सारे गाने लिखे उसके लिए. तो इट जस्ट एक तरफा प्यार वाली स्टोरी, एंड आज भी वही चल रही है. आपको कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको मिले, फैंस को मिले, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? बस के यही, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन, एंड कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग आगे जिंदगी में. आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचें, एंड जस्ट follow your passion, because that's what I did, and I feel har insaan wo jab karta hai, he's happy. And what is next? Any of your upcoming projects you would like to share with us? Yeah, I think after Let Me Love ka album, we're going to launch one more album probably, and usse pehle thode singles aayenge, and you guys get to see a lot of collabs with other artists also, and very different commercial music also when it comes to
हिप हॉप और R&B। और एक तरफा प्यार हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया था जब आपने पूछा, उनके लिए क्या क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया आप इस चीज में, अगर कुछ एक्सपीरियंस हो गया। आई थिंक इट्स द डायलॉग जो मेरे दिमाग में अटक गया था, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। आई फील लाइक किसी से प्यार करने के लिए आपको उनकी जरूरत है ही नहीं, अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप दिल से करते रहो जिंदगी भर, उनकी प्यार की जरूरत है नहीं आपको। तो आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट एंड आई फील लाइक, और वो खुशी भी है एक तरफा प्यार में, ना कोई स्ट्रेस, ना झंझट, ना आप किसी को तंग कर रहे हो, ना प्यार मांगना है, बस प्योर इंटेंशन है कि आपको किसी को प्यार देना है। तो आई सोली बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक तरफा प्यार। थैंक यू सो मच।